मुंबई में फुट ओवरब्रिज गिरा, कई गाड़ियां दबी, बचाव एवं राहत कार्य शुरू, कई लोगों के गंभीर रूप से घायल होने की आशंका। आपसे गठबंधन पर दिल्ली कांग्रेस में पड़ी दरार, पीसी चाको और अजय माकन ने की गठबंधन की वकालत, शीला ने अकेले लड़ने का लिया फैसला। केरल में राहुल गांधी ने सरकार बनने पर महिलाओं को आरक्षण देने का किया वादा, जीएसटी को लेकर मोदी सरकार पर कसा तंज। राफेल केस में लीक दस्तावेजों पर केंद्र के विशेषाधिकार के दावे पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा, वकील प्रशांत भूषण ने भी अपना पक्ष रखा। मसूद पर चीन ने किया वीटो का इस्तेमाल, राहुल ने मोदी सरकार की नीतियों पर उठाए सवाल, बीजेपी बोली कांग्रेस अध्यक्ष इतने खुश क्यों हैं? राहुल गांधी, आपको पता है कि आपके ट्वीट आज जैश ए मोहम्मद के दफ्तर में बड़े चाव से पढ़े जाएंगे, बताए जाएंगे और दिखाए जाएंगे। कांग्रेस में बिखराव का सिलसिला जारी, अब केरल में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता टॉम वड़क्कन ने थामा बीजेपी का दामन, बोले देश विरोधी भाषा बोल रहे हैं राहुल। The Congress party is with a heavy heart because the attack by the Pakistani terrorist on our land and the reaction from my party was sad indeed. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है एक ऑटो वाले का वीडियो, वीडियो में मोदी की तारीफ कर रहा है शख्स, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने किया ट्वीट। मोदी जी कलयुग का भगवान है, वो अगर विश्व लेंगे तो देश हमारा बहुत आगे भागेगा, बहुत आगे चले जाएंगे, फिर हमारे देश को छूने वाला कोई नहीं होगा, बहुत बढ़िया, हम बहुत आगे जाएंगे, बहुत आगे। राहुल गांधी की करीबी दिव्या स्पंदना ने किया विवादित ट्वीट, पीएम मोदी के समर्थकों को बताया बेवकूफ। विंग कमांडर अभिनंदन की डीब्रीफिंग पूरी, कुछ हफ्ते सिक लीव पर रहेंगे, फिर होगा फिटनेस का आकलन। वंशवाद का आरोप लगा तो मंच पर बेटे और पोते के साथ रो पड़े एचडी देवगौड़ा, बीजेपी ने बताया ड्रामा। प्रियंका से मुलाकात के बाद भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने वाराणसी से चुनाव लड़ने की कही बात, बोले मोदी को हराना है मकसद। मुजफ्फरपुर शेल्टर होम कांड मामले में ईडी ने कुर्क की ब्रजेश ठाकुर की करोड़ों की संपत्ति, 34 लड़कियों के साथ हुआ था दुष्कर्म। मोहम्मद शमी की फिर से बड़ी मुश्किलें, यौन उत्पीड़न और दहेज प्रताड़ना के आरोप में कोलकाता पुलिस ने दाखिल की चार्जशीट। HS News, जहां खबरों का सिलसिला रुकता नहीं, लेटेस्ट न्यूज और अपडेट्स के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।